जरा ये बेचने का प्रोसेस बताना इसको। अच्छा ब्यूटी कैटेगरी, चलो आज फिर ब्यूटी कैटेगरी के बारे में बताता हूँ। देखो सबसे पहली बात है कि ये एक नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी है, तो बिंदास आप इसमें सेलिंग शुरू कर सकते हो, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से इसमें काम शुरू करो। दूसरा ब्रांड भी बेच सकते हो किसी और का, और अपना ब्रांड भी बेच सकते हो। बड़ा ब्रांड बेचोगे ब्रांड ऑथराइजेशन और अप्रूवल लेटर वगैरह लगता है, क्योंकि सेंसिटिव चीज है। अपना भी बेचोगे तो प्रॉपर ये BIS सर्टिफिकेट वगैरह और जितने भी अप्रूवल्स होते हैं वो लगने वाले हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब चलो बात बेचने की हो गई, तो GST और सेविंग अकाउंट के साथ बिंदास इसका बिजनेस भी शुरू किया जा सकता है। कई बड़े ब्रांड्स के नाम तुमने सुने होंगे, जैसे ममार्थ हो गया, शुगर हो गया, वाव स्किन हो गया, प्लम हो गया, सारे के सारे मार्केट प्लेसेस से उठ के ही आज इतनी भयंकर सेलिंग कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया मौका है इसमें ब्रांड बनाने का। शिपिंग चार्जेस इसमें क्या लगते हैं और कमीशन कितना लगता है ये एंड में बताऊंगा। एक प्रॉपर ब्रांड अप्रूवल इसमें लगने वाला है जब सेलिंग शुरू करोगे। अब टिप्स पे आ जाते हैं कि कैसे कैसे आप इसमें बेस्ट सेलिंग बन सकते हो। तो सबसे पहले तो कैटलॉग बनेगा जब, तो कैटलॉग में फोटोज और वीडियोज प्लस किस तरीके के इसके एप्लीकेशन है वो सारे डिसाइडेड और मेंशनड होने चाहिए। इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या क्या यूज हुए हैं, एक्सपायरी डेट इसकी क्या है, यूज केसेस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स कहां कहां हो सकते हैं, स्किन टाइप ये कौन से में लगती है और नेट क्वांटिटी इसके अंदर क्या है, ये सारा मेंशन होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अगेंस्ट अदरवाइज हो सकता है। कस्टमर रिव्यू जितने ज्यादा हो ऐसे प्रोडक्ट्स में उतना बेहतर रहता है। अब इसमें सेलिंग के लिए जो बेस्ट चीज रहती है ना वो रहती है कि इसमें कॉम्बोज और एक पूरा प्रॉपर किट बनाओ तो उसमें बेस्ट हम कर सकते हैं। जब भी इसको पैक करोगे या फिर अपलोड कर ही रहे हैं तो एक ब्रोशर जरूर रख लेना, जिससे लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है जब इसको यूज करना है। अब ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं ना ये नॉन रिटर्नेबल जो भी हैं, लेकिन इसमें कस्टमर क्या करता है बहुत सोच समझ के लेता है, तो रिच प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मतलब A+ कंटेंट आपने देखा होगा आ जाता है प्रोडक्ट के नीचे, वो डिटेल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए प्रोडक्ट का। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे जरूर इसका पेज बना लेना, क्योंकि ब्रांड अवेयरनेस जरूरी है। ऐसे प्रोडक्ट जो कि स्किन के लिए होते हैं या फिर हमें खुद पे यूज करने, ऐसे कोई भी कस्टमर बिना ब्रांड अवेयरनेस के नहीं खरीदता है। इसके साथ साथ Amazon या Flipkart पे ब्रांड स्टोर भी इसका जरूर बना लेना, और उसके बाद एड्स के थ्रू टारगेटिंग हम अपने कस्टमर्स को कर सकते। चलो तो शिपिंग चार्जेस और कमीशन की हमने बात करी थी, तो 300 रुपए का अगर प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं तो 70 रुपए तो आप इसमें शिपिंग चार्जेस लेके चलो और 12% का कम से कम इसमें कमीशन मान के हम चलते हैं। हाई सेलिंग की बात करें तो अभी लेटेस्ट डेटा के अनुसार डिटॉल सोप जो हो गया और फेस वॉश ये काफी ज्यादा बिक रहे हैं। 2024 में अगर आपको स्टार्ट करना है तो मुझे लगता है मेंस ग्रूमिंग में आप जा सकते हो, वहां पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नए नए प्रोडक्ट्स लाके कस्टमर टारगेटिंग हो सकती है। बढ़िया है यार, फिर ये वापस तो मैं बिजनेस शुरू करता हूं। तो आप भी शेयर करिए ये वीडियो उन लोगों को जो ब्यूटी कैटेगरी में फ्लिपकार्ट अमेज़न पर आना चाहते हैं, बहुत आसान होगा उनके लिए, मेरी टीम की हेल्प ले सकते हैं। साथ साथ में कमेंट में मुझे बताइए किस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल वीडियो आप अगली चाहते हो।